हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो क्लीनिंग का है। तो अभी मेरी जो सुबह की नाश्ता और खाना जो है वो मेरा बन चुका है, और दोनों बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो ये सारे काम तो मेरे मॉर्निंग के हो गए हैं, बस मुझे आज क्लीनिंग करना था, डीप क्लीनिंग मेरे घर का। तो मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ मैं सबसे पहले अपने बिस्तर का जो चादर है और जो पिलो कवर है वो सब मैं चेंज करूँगी। मैं इसको कम से कम 3 दिन 4 दिन के बाद उठा देती हूँ, चादर और जो मेरा पिलो कवर ये सब मैं बदल देती हूँ। तो आज मुझे ये सब बदलना था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले सुबह का जो मॉर्निंग का मेरा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड, जब बच्चे स्कूल और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो फिर आपका काम में शांति से आप काम कर सकती हैं और काम में मन भी लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले उन लोगों को अच्छे से भेज दूं। इससे क्या होता है कि वो लोग अगर टाइम से निकल जाते हैं फ्रेंड्स, तो फिर मन में एक अलग सी शांति होती है और आप अपना घर का जो काम है उसे आप मन लगा के आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो इसलिए आज मैंने अपना सुबह का जो भी काम था वो मैंने किया नहीं, क्लीनिंग का कोई भी काम नहीं किया था। मैंने सबसे पहले अपना नाश्ता और लंच बना लिया और बच्चों को और हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके दे दिया, और मैंने अपने छोटे बेटे आदित्य को स्कूल दे दिया। और दे के जब मैं आई उसके बाद मैं अपने इस क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये बेडरूम का जो है ये चादर मैंने चेंज कर दिया है और अभी मैं बिस्तर लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ठंडे के दिन में जो कपड़े होते हैं, चादर, फिर आपके कंबल, रजाई जो होती हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इन्हें फोल्ड करके सजाना, जो पहले आप गर्मी में सजाइएगा बिस्तर, उसके मुकाबले ठंडी में समय थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि कंबल और ये जो चादरें हैं सब बढ़ जाती है। ऐसे तो मैं गर्मी में भी एक बेडशीट लेके ही सोती हूँ, क्योंकि रात को अक्सर ठंड बढ़ जाती थी, तो इसलिए मैं गर्मी में भी चादर लेके ही सोती हूँ। तो ये देखिए, मेरा एक बेडरूम का जो बिस्तर है वो मैंने लगा दिया है, और अभी मैं आ गई हूँ अपने चेयर का जो कवर है उसे मैं थोड़ा झाड़ उड़ लूँगी, क्योंकि ये बच्चे घर में हैं तो ख़राब कर देते हैं। और अब आ गई हूँ मैं अपने दूसरे बेडरूम, जो मेरे बच्चों का बेडरूम है, मेरे दोनों बेटे इसी में सोते हैं। तो मैं एक संग दोनों बेडरूम का ही चादर और पिलो कवर दोनों चेंज करती हूँ, ये मेरा आदत है। मैं एक संग दोनों रूम के चादर चेंज करती हूँ जब भी करती हूँ। तो मेरा उस तो मेरा बेडरूम का तो हो गया, ये मेरे बच्चों का बेडरूम है, तो इसे भी मैं इसके चादर चेंज कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो काम है वो मेरा स्टार्ट है। तो मैं जब भी अपनी चादर चेंज करती हूँ तो ये मेरी आदत है, मैं अपने घर का डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि चादर चेंज करने से पहले जितना मतलब पंखे उंखे सब मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सब मेरा हो चुका है और अब मैं चादर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा घर ऊपर है 3rd फ्लोर पर, तो बहुत हवा आती है और हवा के संग तो डस्ट भी आ जाते हैं, जिसके चलते मैंने खिड़की पे जाले लगाए हुए हैं। तो इधर भी मैं बेडशीट लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, और बेडशीट लगाने के बाद मैं अपना बाकी का जो काम है वो सब मैं जो बिस्तर के बाद ही मैं घर झाड़ती हूँ, झाड़ के तब मैं डस्टिंग करती हूँ, डस्टिंग करने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बढ़िया बढ़िया अपने कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो हमेशा ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहिए।